सुजानपुर में मंगलवार को इक्का दुक्का निजी बस ऑपरेटरों ने बसें तो चला दी, लेकिन उन्हें यूनियन के विरोध का सामना करना पड़ा। यूनियन की मनाही के बावजूद कुछ एक ऑपरेटरों ने रूट पर निजी बसें भेज दी, जिसका पता जब यूनियन के लोगों को पता चला तो संबंधित संचालकों को बसें ना चलाने को कहा गया। वहीं निजी बस ऑपरेटर यूनियन हमीरपुर के उपाध्यक्ष विजय ठाकुर ने कहा कि 25 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद ही बस चलाने के बारे में निर्णय लेंगे। अगर सरकार निजी बस ऑपरेटरों की मांगों को मानती है तो बसें चला दी जाएंगी, नहीं तो निजी बसों के पहिए थमे रहेंगे। उधर निजी बसें ना चलने से लोगों को भी आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही हैं। सरकारी बसों में सामाजिक डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखकर ही बसों में सवारियों को बैठाया जा रहा है। वहीं बसों की संख्या से कम ही सवारियां भरी जा रही हैं, इसलिए निजी बसों की भी रूटों पर जरूरत पड़ रही है।